दोस्तों जहां बॉलीवुड स्टार लाखों और करोड़ों कमाते हैं, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर भी किसी से कम नहीं। बॉलीवुड मूवीज में सेलिब्रिटीज को डांस सिखाने वाले कोरियोग्राफर भी बहुत भारी रकम चार्ज करते हैं। ये कोरियोग्राफर ना सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि टीवी इंडस्ट्री के डांस रियलिटी शो से भी पैसे कमाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डांस प्लस 6 के जजेस और होस्ट की इनकम और नेटवर्थ के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप डांस प्लस शो के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डांस प्लस के कैप्टन और जज पुनीत पाठक की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। पुनीत पाठक ने बॉलीवुड मूवीज में कई सारी मूवीज के लिए एज अ कोरियोग्राफर काम किया है। पुनीत एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो रियलिटी शोज के एक एपिसोड को जज करने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बात करें इनके नेटवर्क की तो इनका नेटवर्क है 45 करोड़ रुपीज। सलमान यूसुफ खान। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डांस प्लस 6 के न्यू जज सलमान यूसुफ खान की इनकम और नेटवर्क के बारे में। सलमान यूसुफ खान ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज वो एक कामयाब कोरियोग्राफर बन चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म वांटेड से की थी और इन्होंने कई सारी मूवीज में काम भी किया है जिनमें ABCD, लव यू फैमिली और स्ट्रीट डांसर 3D शामिल हैं। सलमान यूसुफ खान एक मूवी में काम करने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और बात करें इनके नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपीज। शक्ति मोहन। दोस्तों अब बात करते हैं डांस प्लस 6 की फीमेल जज शक्ति मोहन की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। शक्ति मोहन ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड की फिल्म पद्मावत के सॉन्ग नैनो वाले से की थी। साथ ही साथ इन्होंने कई सारी मूवीज में आइटम सॉन्ग्स भी परफॉर्म किए हैं। शक्ति एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। बात करें इनके नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ है 37 करोड़ रुपीज। रेमो डिसूजा। दोस्तों अब बात करते हैं डांस प्लस के सुपर जज रेमो डिसूजा की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है रेमो डिसूजा कोरियोग्राफर के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने कई सारी बिग बजट मूवीज के लिए कोरियोग्राफी की है। रेमो डिसूजा एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम इनके रियलिटी शोज और फिल्म डायरेक्शन से आती है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है 55 करोड़ रुपीज। राघव जाल। दोस्तों अब बात करते हैं डांस प्लस के होस्ट राघव जाल की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। राघव जाल ने एज अ कोरियोग्राफर अपने करियर की शुरुआत DID लिटिल मास्टर सीजन 2 से की थी। वो एक डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ करने के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा इन्होंने मूवीज में भी काम किया है जिनके वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बात करें राघव के नेटवर्क की तो इनका नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों ये थे डांस प्लस सीजन 6 के जजेस और होस्ट का इनकम और नेटवर्थ। दोस्तों आपको इनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप डांस प्लस शो के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।